करौली अंतर्गत अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकटिया चौराहे पर दो गुटों के बीच तड़के हुए खूनी संघर्ष। एक गुट द्वारा दूसरे गुट के लड़के की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दोनों गुटों की तरफ से जमकर किए गए पत्थरबाजी जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह व पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल मौके पर पहुंचे। बवाल का मुख्य आरोपी किया गया गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने 10 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के ऊपर खिलाफ दर्ज किया FIR। बता दें कि 13 नवंबर को अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकटिया में मामूली बात पर पीट पीट कर हुई युवक की हत्या के बाद दो गांवों के लोग हुए आमने सामने। दोनों तरफ से जमकर की गई पत्थरबाजी व आगजनी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिससे आसपास के पूरे इलाके में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने सब को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं बिगड़े माहौल को देखते हुए SP चंदौली समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया गया। वहीं दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। दरअसल सिकटिया चौराहे पर बबलू पासवान की चाय पान और कमला यादव की मिठाई की गोमती थी। बबलू और कमला के बीच दो दिन पहले किसी पोस्टर की बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के बाद कमला यादव और परिवार के लोगों ने बुधवार की रात बबलू पासवान की गोमती जला दी। गुरुवार को दोनों पक्ष अलीनगर थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही बरती और बगैर किसी कार्यवाही के मामले को रफा दफा कर दिया। शुक्रवार की रात कमला यादव की गोमती में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद शनिवार को सुबह तारनपुर पासवान बस्ती के दो युवक 19 वर्षीय विशाल पासवान और 20 वर्षीय सेरू सिकटिया चौराहे पर पहुंचे तो वहां पहले से ही लाठी डंडे से लैस ग्रामीण दोनों युवकों पर टूट पड़े। मारपीट के दौरान सेरू ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन विशाल पासवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए शिवचरण बिंद की खास रिपोर्ट।